हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आई एम नंबर 4 मूवी की। मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक या डिसलाइक करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें अर्थ के किसी घने जंगल को दिखाया जाता है जहाँ दो लोग पेड़ पे बने एक घर में सो रहे होते हैं, पर उन्हें बाहर कोई हलचल महसूस होती है। तो उनमें से एक आदमी विंडो के बाहर देखता है, पर अचानक से उसे एक मॉन्स्टर बाहर की तरफ खींच लेता है जो उसे मार देता है। तब वो दूसरा लड़का वहाँ से भाग जाता है, पर मॉन्स्टर उड़कर उसका पीछा करने लगता है। यहाँ वो लड़का उस मॉन्स्टर को चकमा दे देता है, लेकिन उस एलियन के हाथ आ जाता है जिसके लिए वो मॉन्स्टर काम कर रहा था। अब वो एलियन उस लड़के को मार देता है। दरअसल इन एलियन को मोगाडोरियंस बुलाया जाता है, जो कि दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ के लोगों को मारकर वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। बेसिकली वो लड़का भी एक एलियन था जो कि लोरियन नाम के प्लैनेट से अर्थ पर आया था। दरअसल उसके जैसे 9 बच्चे लोरियन प्लैनेट से अर्थ पर आए थे जो कि मोगाडोरियन से छुपकर रह रहे थे। एक्चुअल में वो सारे बच्चे खास हैं, उनके पास खास तरह की पावर्स हैं और वो मोगाडोरियंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वही बच्चे मोगाडोरियंस को मार सकते हैं। इट मीन्स वो अर्थ को मोगाडोरियन से बचा सकते हैं, इसीलिए मोगाडोरियन उन्हें ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। दरअसल इन एलियन बच्चों को मारने का एक रूल है, उन्हें सीक्वेंस से ही मारा जा सकता है, पहले नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। और मोगाडोरियन ने जिस बच्चे को अभी मारा वो नंबर 3 था। अब नंबर 4 का टर्न है। सो गाइस, हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं जहां हमें नंबर 4 दिखाया जाता है जो फ्लोरिडा के बीच पे अपने फ्रेंड के साथ चिल कर रहा था। तभी अचानक से उसके पैर से एक लाइट निकलने लगती है और उसमें बहुत जलन होती है, और वहां बच्चे उसे देखकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। फिर वो बीच के एक किनारे पे जाके बेहोश हो जाता है। उसकी आंख सुबह को खुलती है और उसके पैर पे एक अजीब सा निशान होता है। दरअसल जब भी उनमें से कोई बच्चा मरता बाकी बच्चों के पैरों पे एक निशान बन जाता। तीसरा निशान उसे रात ही मिला था जब नंबर 3 मरा था। फिर उसके पास एक आदमी आता है जो उसका रक्षक होता है। बेसिकली हर एक बच्चे के पास में एक रक्षक था। नंबर 4 के रक्षक का नाम हेनरी था। हेनरी नंबर 4 को लेकर वहां से चला जाता है क्योंकि बीच पे जो भी हुआ वो काफी लोगों ने देख लिया था, जिससे मोगाडोरियन उन्हें ढूंढ सकते थे। फिर हेनरी वहां के सारे डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ जलाकर नंबर 4 को पैराडाइस नाम के शहर में ले जाता है, जहाँ हेनरी नंबर 4 को जॉन स्मिथ नाम की आईडी बनाकर देता है। तो अब से हम उसे जॉन बुलाएंगे। और रात में उसे अपने नए घर के पास में एक डॉग मिलता है जिसे जॉन अपने पास रख लेता है। और फिर हमें जॉन के फ्लोरिडा वाले घर में, मतलब पुराने वाले घर में, एक लड़की दिखाई जाती है। और फिर वो लड़की जॉन के पुराने घर को जला देती है, मतलब ब्लास्ट कर देती है, जहां हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी फायर प्रूफ है, मतलब आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि वो लड़की उन बच्चों में से ही एक है। और यहाँ पैराडाइस में जॉन सुबह को स्कूल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक सैरा नाम की लड़की से होती है। वो जॉन को उसके कबर तक छोड़ती है, और उसके बाद जॉन से स्कूल का मार्क जेम्स नाम का बच्चा खुद को और अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराता है। अब पूछता है, तुम कहाँ से हो? तो जॉन कहता है, मैं फ्लोरिडा से हूँ। और मार्क उससे पूछता है, तुम वहाँ क्या खेलते थे? तो जॉन कहता है, कुछ नहीं खेलता था। तो वो लोग उसकी थोड़ी हंसी उड़ाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तब वहाँ पर एक सैम नाम का लड़का आता है जिसे मार्क और उसके दोस्त बुली करते हैं। फिर लंच के टाइम में मार्क सैम के बॉल फेंक के मारता है जिससे सैम गिर जाता है, और जॉन आकर उसकी मदद करता है। फिर मार्क और उसके दोस्त दोनों का मजाक उड़ाते हैं, जिस पे जॉन गुस्से में आकर बॉल को वापस फेंकता है जिससे मार्क का दोस्त दूर जाके गिरता है। तब जॉन और सारे लोग वहाँ हैरान हो जाते हैं कि जॉन ने इतनी तेज बॉल कैसे फेंक दी। और फिर दिखाते हैं मोगाडोरियन जॉन के पुराने घर पे पहुंच गए थे और उसके पुराने घर पे कुछ एविडेंस ढूंढ रहे थे जिससे वो जॉन का पता लगा सके। और फिर हमें दिखाते हैं जॉन अपने क्लास में बैठा होता है, जहां अचानक से उसके हाथों में एक रोशनी निकलने लगती है जिससे जॉन को बहुत जलन होती है। और जॉन अपने क्लास से उठकर एक स्टोर रूम में चला जाता है। उधर हेनरी के पास एक बॉक्स था जो कि जॉन के पिता ने दिया था। वो बॉक्स जलने लगता है जिससे हेनरी को पता चलता है जॉन इस टाइम परेशानी में है। फिर हेनरी जॉन के पास आता है और उसे समझाता है और उसे उस रोशनी को कंट्रोल करना सिखाता है, और बताता है, ये पावर्स तुम्हें विरासत में मिली है। तुम्हारे पिता लोरियन ग्रेड के मेंबर्स थे, तुम्हारी तरह बाकी सारे बच्चों के पिता भी लोरियन ग्रेड के मेंबर्स थे। फिर हमें दिखाते हैं जॉन अपनी पावर्स चेक करता है। वो तेज भाग सकता है, काफी हाई जंप कर सकता है, और किसी भी नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर है। और वो अपने माइंड और हैंड की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए उठा सकता है या मूव करा सकता है। और रात को जॉन मार्केट में सारा से मिलता है और उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ सारा उसे अपने घर में ले जाती है और डिनर कराती है। यहाँ सारा को फोटोग्राफी का काफी शौक था, इसलिए सारा के पास में काफी कैमरे थे जिनमें से एक वो जॉन को गिफ्ट कर देती है। और फिर हमें दिखाते हैं हेनरी एक किसी जगह पे जाता है जहाँ उसे एक रॉक का पीस मिलता है जो अंदर से ब्लू कलर का होता है।
वो कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालता है जिससे उसे पता चलता है पैराडाइज में रहने वाला एक आदमी गायब हो गया था जो कि एलियंस के बारे में काफी कुछ जानता था और वो कोई और नहीं सैम का पिता था। फिर एक दिन सारा और जॉन एक कार्निवल में जाते हैं, मतलब एक मेले में जाते हैं जहाँ भूत बंगले टाइप का एक जंगल होता है। जब सारा और जॉन उस जंगल में जाते हैं तो सारा और जॉन पर एक हमला हो जाता है जहाँ एक आदमी सारा को पकड़ कर ले जाता है पर जॉन बाकी के लोगों की अपनी पावर्स की मदद से धुलाई कर देता है, लेकिन उसे उसकी पावर्स यूज करते हुए सैम देख लेता है। और वहीं जॉन सारा के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है वो मार्क और मार्क के दोस्त हैं और जॉन गुस्से में आगे मार्क का हाथ मोड़ देता है। तब सारा उसे रोकती है और सारा और जॉन वहां से चले जाते हैं और जॉन सारा को उसके घर छोड़ता है। फिर उनके बीच में एक किस होता है, फिर सारा अपने घर में चली जाती है। फिर जॉन को सैम मैसेज करके अपने पास बुलाता है और कहता है मैंने वो सब देखा जो तुमने जंगल में किया, लेकिन जॉन उससे कहता है तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। तब सैम थोड़ा इमोशनल होकर कहता है मुझे लोगों ने जिंदगी भर बुली किया है ये कहकर कि तुम्हारे पिता पागल थे जो ये मानते थे कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। तो जॉन उस पर तरस खाकर उसे बता देता है कि उसके पिता हर चीज के बारे में सही थे और सैम से ये वादा ले लेता है कि तुम किसी को नहीं बताओगे, जिसके लिए सैम हाँ कर देता है और ये सुनकर बहुत खुश होता है कि उसके पिता पागल नहीं थे। फिर हमें दिखाते हैं जॉन के पैर चलने वाली वीडियो को किसी ने बनाकर नेट पर अपलोड कर दिया है। क्योंकि हेनरी को पता चलता है तो वो उन लोगों से मिलने जाता है। फिर जॉन को हेनरी का कॉल आता है जिसमें वो वीडियो अपलोड करने वाला आदमी कहता है कि अगर हेनरी को बचाना चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ। फिर सैम और जॉन मिलकर हेनरी को बचाने जाते हैं। फिर जॉन और सैम मिलकर हेनरी को बचा लेते हैं। फिर जॉन और हेनरी उन लोगों से पूछ रहे होते हैं, इतने में वहां पर मोगाडोरियंस आ जाते हैं। यहां पर हेनरी घायल हो जाता है पर जॉन उसको लेके वहां से भाग जाता है। और फिर हेनरी मरते मरते जॉन और सैम को ये बताता है कि सैम के पिता हम लोगों की मदद कर रहे थे, वो हमें एक जगह इकट्ठा करने वाले थे पर उससे पहले वो गायब हो गए। और फिर वो जॉन को वो नीला पत्थर देता है और फिर हेनरी की वहीं मौत हो जाती है। नीले पत्थर को देखकर सैम कहता है ऐसा ही एक पत्थर मेरे पिता के सामान में भी रखा है। और वहीं पुलिस ने जॉन और हेनरी को टेररिस्ट घोषित कर दिया था क्योंकि उन्हें जॉन के घर में घुसने पर काफी सारे लैपटॉप और सब जगह की सीसीटीवी एक्सेस मिली थी। फिर जॉन के पास सैरा का मैसेज आता है कि तुम कौन हो। फिर सैम उस नीले पत्थर को लेने अपने घर चला जाता है और जॉन सैरा के पास चला जाता है। सैरा एक घर की छत पर बैठी थी जहाँ पार्टी चल रही थी। फिर जॉन सैरा के पास जाता है जहाँ सैरा उस पर काफी गुस्सा होती है और वहाँ पर कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। दरअसल पुलिस का हेड मार्क जेम्स का पिता था। जैसे ही मार्क ने जॉन को देखा उसने अपने पिता को फोन कर दिया था और पुलिस के अचानक से आवाज देने की वजह से सारा का पैर फिसल जाता है पर जॉन उसे अपनी पावर से हवा में ही पकड़ लेता है। फिर जॉन नीचे उतर कर सारा को गोद में ले लेता है। तब सारा उससे पूछती है ये तुमने कैसे किया, ये नामुमकिन है। फिर जॉन सारा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है जहां हम देखते हैं पुलिस की कई गाड़ी आती होती है जॉन की तरफ, जिनमें से एक गाड़ी को जॉन हवा में उड़ा देता है अपनी पावर से और इस चीज की काफी सारे लोग वीडियो बना लेते हैं। और फिर जॉन अकेले में जाकर सारा को उस कैमरे की रील देता है जो कैमरा सारा ने उसे गिफ्ट में दिया था और सारा से कहता है तुम्हें इससे मेरे बारे में सब पता चल जाएगा, लेकिन सारा जॉन को अपने साथ स्कूल की फोटोग्राफी लैब में ले जाती है। जॉन के पास सैम का कॉल आता है जो कि उसे बताता है तुम्हारा गाड़ी को हवा में उड़ाने वाला स्टंट यूट्यूब पे वायरल हो चुका है। और फिर जॉन सैम को बताता है वो स्कूल में है। तब सैम कहता है मैं स्कूल के बाहर आ रहा हूं, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर हम यहां से नहीं निकले तो पुलिस हमको ढूंढ लेगी। और वो साथ ही साथ ये बताता है कि मैं उस रॉक को ले आया हूं और तुम्हारा कुत्ता भी मेरे साथ में है। पर तब तक डोरियन ने मार्क को पकड़ लिया था और वो उसके थ्रू जॉन तक पहुंच जाते हैं। फिर जॉन स्कूल के पीछे वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की वहां आ जाती है जिसने जॉन का पुराना घर जलाया था और हमें ये पता था कि उसके पास फायर प्रूफ पावर है। यहां पता चलता है कि उसके साथ साथ उसके पास में गायब होने की भी पावर है जिसकी मदद से वो दो मोगाडोरियन को मार देती है और जॉन को बताती है वो नंबर 6 है। फिर हमें दिखाते हैं सैम स्कूल के बाहर पहुंच जाता है जहां वो देखता है मोगाडोरियन के एक ट्रक से कुछ अजीब से मॉन्स्टर निकलकर जॉन की तरफ जाते हैं और वहां जॉन का डॉग जो कि सैम के पास था वो भी एक अजीब सा मॉन्स्टर बन जाता है। सैम उसे देखकर वहां से स्कूल के अंदर भाग जाता है और जॉन को जाके सारी बात बताता है और इस बीच में वो मॉन्स्टर जॉन पर आके हमला कर देता है पर जॉन अपनी पावर से उसका सामना करता है। तभी उसका डॉग उसकी मदद करने आ जाता है। फिर मॉन्स्टर और जॉन के डॉग में लड़ाई होने लगती है। जॉन और नंबर 6 मिलकर मोगाडोरियन से लड़ने लगते हैं और हमें यहाँ पता चलता है जॉन के हाथों से जो रोशनी निकलती है उससे नंबर 6 की पावर बूस्ट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं जहाँ और भी मोगाडोरियन होते हैं और उनमें मोगाडोरियन का हेड भी होता है और वहाँ एक और मॉन्स्टर भी
होता है। हालांकि पहले वाले मॉन्स्टर को जॉन के डॉग ने मार दिया था और उसमें वो घायल भी हो जाता है और फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी जॉन और नंबर 6 मिलकर उन मोगडोरियन का सामना करते हैं और उनके बीच में काफी देर फाइट चलती है। हालांकि जॉन को और नंबर 6 को उन मोगडोरियंस को मारने में काफी दिक्कत होती है, पर वो लोग मिलकर उन मोगडोरियंस को मार देते हैं। और इस बीच में मोगडोरियंस की गन से सैम ने भी एक मोगडोरियन को मारा था। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन सुबह को जॉन और सैम मिलकर उस रॉक को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे वो रॉक नहीं जुड़ता है। लेकिन जब नंबर 6 एक टुकड़ा अपने हाथ में लेकर और जॉन एक टुकड़ा अपने हाथ में लेकर उसे जोड़ते हैं, तब वो चमकने लगता है। फिर वो रॉक राख बन जाता है, पर उससे उन दोनों को बाकी के बच्चों को ढूंढने का रास्ता पता चल जाता है। फिर वहाँ मार्क आता है, जो उसे वो बॉक्स देता है जो हेनरी को जॉन के पिता ने दिया था, जो कि मार्क के डैड को जॉन के घर से मिला था। और फिर वहाँ पर जॉन का डॉग आता है और फिर जॉन सारा से कहता है, मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। और फिर वो सैम और नंबर 6 को लेकर सैम के डैड और बाकी के बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।